डायलैंडर में आज बात सबसे पहले एक बार फिर सरहद की सुरक्षा। हाल में सरहद पर सुरक्षा एजेंसियों ने जो कार्रवाई की उसने सभी को चौंका दिया और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ये भी साफ हो गया कि सरहद के पोस्ट ऑफिस भी जासूसों का ठिकाना बनते जा रहे हैं। लेकिन आज हम जिस मामले के बारे में आपको बताएंगे उसे जानकर भी आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सरहद पर अभी भी जासूसी का खेल खत्म नहीं हुआ और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी चौंकनी है। जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों का केंद्र बनता जा रहा है। एक के बाद एक मिल रहे जासूसों और संदिग्ध लोगों ने जहां सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भी भय का माहौल व्याप्त हो गया है। सीमावर्ती जिला जैसलमेर आतंकी संगठनों और अन्य राष्ट्र विरोधी एजेंसियों के निशाने पर आता दिखाई दे रहा है। पहले जासूस पटवारी, उसके बाद जासूस पोस्टमास्टर और अब एक और संदिग्ध द्वारा जैसलमेर की वायुसेना स्थल की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई है। पुलिस द्वारा इस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे शख्स के फोटो जारी किए गए हैं और आम जन से अपील की गई है कि अगर किसी के पास इस शख्स की जानकारी है तो तत्काल पुलिस को खबर करें। अब आप भी जरा गौर से देख लें इस शख्स को। सामने आया है कि इस संदिग्ध शख्स ने शहर के आसनी रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के दौरान दुकानदार से जैसलमेर के वायुसेना स्थल की जानकारी लेनी चाहिए और बार बार अलग अलग तरीकों से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले दिनों जिले में बड़ी संदिग्ध गतिविधियों के चलते जागरूक दुकानदार द्वारा इसकी जानकारी वायुसेना अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को दिए जाने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां इस संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध का स्केच बनाया गया है और अन्य दुकानों के कैमरों के फुटेज में उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर आधिकारिक रूप से कोई एजेंसी जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन पुलिस द्वारा जानकारी जुटाने के लिए दुकानदार से पूछताछ जारी है। जिले में लगातार मिल रहे संदिग्धों से जहां जिले के लोग भय के माहौल में हैं, वहीं इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को जागरूक भी कर दिया है। इसी का परिणाम है कि संदिग्ध की जानकारी मिलते ही तुरंत ही दुकानदार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को खबर कर दी गई। सीमावर्ती जिले में एक के बाद एक लगातार हो रही घटनाएं क्या किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है? ये सुरक्षा एजेंसियां और आम जन के लिए एक बड़ा सवाल है। जैसलमेर में इन दिनों संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर मामला गरमाया हुआ है। आए दिन जासूस पकड़े जाने के साथ ही आज एक और संदिग्ध सामने आया है जिसे पुलिस व खुफिया एजेंसियों में हड़कंपा मच गया है। अभी तक पुलिस व सीआईडी व अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शहरी क्षेत्र में रैंकी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुट चुके हैं। जिले में लगातार मिल रहे संदिग्धों से जहां भय का माहौल है, वहीं इन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में जागरूकता सी फैल गई है। इसका परिणाम आज देखने को मिला। लगातार हो रही इस तरीके से घटनाओं से कहीं बड़े खतरे का संकेत दिख रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।